हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल रतन ज्योति योगेश पर स्वागत है। और मैं रतन ज्योति, और आज ये मैंने देख एक मेकअप लुक क्रिएट किया है जो कि आपके सामने है। ये मैंने एक ब्लू नेवी ब्लू सूट है उस पर किया है, जो कि आप देख ही सकते हो कैसा लग रहा है। ऐसे मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं। सबसे पहले मैंने अपना फेस धुल लिया, और वो कि मैं हमेशा करती हूँ क्लींजिंग मिल का यूज। और उससे मैंने फेस धुलने के बाद क्लींजिंग मिल का यूज किया है, जिससे कि जो भी जरा सी भी गंदगी है वो सारी हट जाए, जिससे कि आपका चेहरा अच्छी तरीके से साफ हो जाए। इसलिए मैंने क्लींजिंग मिल का यूज किया है, और गंदगी आपको दिख ही रही होगी, हो तो वैसे है नहीं, फिर भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। इससे मेकअप आपका लॉन्ग टाइम तक रहता है। देखिए फेस साफ हो चुका है अच्छी तरीके से, और शाइनिंग भी देखो हल्की सी आई जाती है। उसके बाद मैंने टोनर की जगह पर जो कि गुलाब जल का यूज किया है, ये टोनर का बहुत ही अच्छा काम करता है, तो मैंने गुलाब जल का यूज किया। इसकी स्मेल भी अच्छी है, और आपके चेहरे पर थोड़ा पिंकी पिंकी सा लुक देता है, इसलिए मैंने गुलाब जल का यूज किया है। और ये वही डाबर का गुलाब जल है जो कि नॉर्मली बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और गुलाब जल मैंने कानों गर्दन और फेस पर अच्छी तरीके से लगाया है। ये उसके बाद गुड बाय रोज हिप सीरम यूज की है, ये आपके चेहरे में रिसेंटली ग्लो ला देती है, और बहुत ही अच्छी हैं। मुझे इसकी सारी सीरम बहुत पसंद है, पर सीरम लगाने के बाद आपको अच्छी तरीके से मसाज करनी है, जिससे कि सीरम आपकी स्किन में अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो जाए। और ये बहुत जल्दी ऑब्जर्व भी हो जाती है, ये चिकना चिकना नहीं करती है गर्दन फेस और कानों को। अच्छी तरीके से मसाज करना है, और फेस आप देख ही रहे हो ये ग्लो करने लगा है। और मैंने अच्छी तरीके से मसाज किया, फोरहेड किया हूँ, सारा एक सा हो जाए। जिसके बाद यही गुड बीवर्स की सेफ्रॉन क्रीम, और केसर का तो बताना ही बेकार है, क्योंकि सभी को पता है केसर कितना अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। और मैंने ये क्रीम लेके अच्छी तरीके से इसकी भी मसाज की थी, पूरे फेस कानों पर और गर्दन पर अच्छी तरीके से इसे मसाज करके ऑब्जर्व कर लिया था। देखिए फेस मेरा कितना ग्लो करने लगा है। उसके बाद ये मैंने होंडा ब्यूटी का था, और नोकल कंपनी से ख़रीदा था, बाज़ार से ख़रीदा था प्राइमर, वो यूज किया है। इसका रिजल्ट भी अच्छा है, और ये ऑयल फ्री है, सॉरी ऑयल कंट्रोल है, आपको पसीने नहीं आने देता, इसलिए मुझे ये भी पसंद है, तो मैंने ये लगाया। उसके बाद ये मेवलिन का कंसीलर है, उसे मैं अपनी आँखों पर अच्छी तरीके से लगा रही हूँ, जिससे कि मेरी आँखें जो काली काली हैं वो ना दिखें। हाँ, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है तो आँखें कुछ ज़्यादा काली ही दिख रही हैं। और मैंने ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, देखिए ब्लेंड भी हो गया उंगली से ही, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये उंगली से ही ब्लेंड हो जाता है। और उसके बाद ये आईब्रो पेंसिल से मैंने अपनी आईब्रो को अच्छे से शेप दिया, अगर अपने आईब्रो को शेप नहीं देते तो वो गंदा लगता है, और अगर हम ज़्यादा डार्क डार्क आईब्रो कुछ लगा लूँ ये तो वो भी गंदा लगता है। ये ब्राउन पेन आईब्रो पेंसिल है, जो नेचुरली हमारे कलर्स होते हैं हेयर कलर। उसके बाद कॉम से इसे आईब्रो कॉम कर लीजिए, देखिए फर्क दोनों आईब्रो में आपको दिख ही रहा है। उसके बाद ये मेवलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट लेके मैंने इसे जो कि कंसीलर लगाया था उसे फिक्स कर लिया है, और आपको ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का सा लगाना है। इसके बाद आपके पास कोई भी आई शेडो पैलेट है उससे लाइट पिंक कलर लेके इसे अच्छी तरीके से अपनी आँखों पे लगा लें, क्योंकि बेस बनाना ज़रूरी है। ये लाइट पिंक है, मैं जो भी मैं कलर लगा रही हूँ लाइट पिंक कलर है ये। उसके बाद ये मैंने ब्लू कलर लिया है, थोड़ी स्काई ब्लू है, उसे इनर कॉर्नरों पे लगाया है, और ज़्यादा डार्क नहीं लगाया, हल्के हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा लगाया है। अगर थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके आप लगाते हो तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैंने हल्का हल्का लेकर ही लगाया है। उसके बाद ये ब्लैक कलर इसी आई शेडो पैलेट से लेके
इसे भी अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है, जो कि आप देख ही रहे हो। हमें ज़्यादा थोपना नहीं है, हल्का हल्का सा लेके लगाना है। देखिए दोनों साइड, दोनों आँखों पर बराबर ही लगाना है। देखिए लग चुका है, मैं थोड़ा सा कम लगा था एक आँख पर, तो मैंने उसे भी ठीक कर लिया, बराबर हो गया। उसके बाद जो मेबलिन का कंसीलर था, वही ब्रश की हेल्प से इसमें कट क्रीज बनाना है। हल्के हाथ से कट क्रीज बनानी है, क्योंकि आँख कितनी नाजुक होती है आप सभी को पता ही है। और ज़्यादा हैवी नहीं करना, ज़्यादा बड़ा कट क्रीज नहीं करना है, हल्का सा कट क्रीज कर लिया है ये। और उसके बाद इसे मैंने वही कॉम्पैक्ट पाउडर मेबलिन का उससे फिक्स कर लिया है। उसके बाद जो ब्लू कलर था आई शेडो से लेके जो पहले लगाया था, वही लेके थोड़ा उसका टच दिया है हल्का सा, क्योंकि जो कट क्रीज किया था वो अलग दिख रहा था, तो गंदा लगता है, हमें एकदम ठीक ठाक रखना है। ये लगा लिया है दोनों आँखों पर बराबर, देखिए। उसके बाद इसी आई शेडो पैलेट से येलो कलर लिया था मैंने, उसे भी फिल कर लिया था। ऐसे हमें ब्लेंड नहीं करना है, बस डायरेक्ट थोड़ा सा लगाना है हल्का हल्का, और लगा लिया है। उसके बाद लैक्मे का आई लाइनर लिया है, और उसे मैंने अपनी अपर लाइन पर लगाया है। लाइनर अच्छे से आईलाइनर लगाया था मैंने, और लाइनर लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आंखें ना कुछ ज़्यादा ही हिलती हैं, तो आंखें ना हिले तो ज़्यादा अच्छा है। अपने तो लग ही जाता है, दूसरे के लगाओ तो कुछ ज़्यादा ही हाथ कपने लग जाता है। देखो लग चुका है। और उसके बाद ये मैंने ग्लिटर लिया है, और ये गोल्डन कलर का ग्लिटर है, और उसे मैंने इस पर जो येलो कलर का आई शेडो लगाया था वहाँ पर लगाया है। ग्लिटर लगाने से पहले मैंने जो कि ग्लू लगा लिया था, जिससे कि ग्लिटर झड़े ना। और जो एक्स्ट्रा पार्ट से वो उन्हें हटा दिया है ब्रश की हेल्प से, और बाकी मेकअप आंखों को बाद में करेंगे। और ये थोड़ा सा यहाँ जो हमने ग्लिटर लगाया था, आईलाइनर था, वो ढक गया था, तो दोबारा उसी जगह लगा लेना चाहिए, नहीं तो गंदा दिखता है। और उसके बाद ये मैंने MN का फाउंडेशन लिया है, ये थोड़ा लाइट कलर होता है, पर तो कोई नहीं, मैंने इसी का यूज किया है। ये मेरी स्किन टोन से बहुत ही लाइट है, पर आप देखिएगा। और मैंने उंगलियों की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से पूरे फेस पर फैला लिया है, कि आप हाथ से फैलाते हो तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आता है। अब ये बहुत सा लग रहा है, पर बहुत सा नहीं रहेगा, देखना। और इसे फिर मैं ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है, थोड़ा ब्लेंडिंग फिर ब्लेंडर से अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया था, जो कि आप देख ही रहे हो। और मैंने जब जो फाउंडेशन लगाया कानों और गर्दन सभी पर बराबर लगाया, अब देखो अब ज़्यादा नहीं लग रहा। उसके बाद ये मैंने मेबलिन का ही कंसीलर लेके, जहाँ मेरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, वहाँ लगा के थोड़ा अच्छी तरीके से लगाया है। उसके बाद उंगली की हेल्प से इसे ब्लेंड किया था, और उंगली की हेल्प से ब्लेंड करने से ये होता है कि जो कि आपका जो भी प्रोडक्ट है अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है। जो एक्स्ट्रा है मैंने उसे फिर ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करके अच्छी तरीके से अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कर लिया था। हाँ, पर इन फाउंडेशन या कंसीलर लगाते हैं तो ब्लेंडिंग ज़रूरी है। अगर आप थोप लेंगे वो बहुत गंदा लगता है, तो इससे अच्छा है आप कम लगाएं और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। देखिए ब्लेंड हो चुका है, और ये वाइट भी नहीं दिख रहा ज़्यादा, जो थोड़ा मुझे ब्लैक ब्लैक इससे जो दिख रहे थे अपने, जहाँ जहाँ मैंने वहाँ दोबारा लगा के इसे भी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था। देखिए ब्लेंड हो चुका है। उसके बाद यही कॉम्पैक्ट लेके अच्छी तरीके से जहाँ मैंने कंसीलर लगाया उसे फिक्स कर लिया है।
और उसके बाद पूरे फेस पर पाउडर लगा लिया था। और पाउडर ज़्यादा यूज नहीं करना है, कम ही करना है। उसके बाद ये वाला रेड कलर लेके इससे काउंटरिंग की थी अपने गालों पर और फोरहेड और नोज, क्योंकि वाइट ज़्यादा था इसलिए मैंने ये वाला कलर यूज किया है। तो ये अजीब सा लग रहा था मुझे, और जब मैंने MN का लिया था फाउंडेशन तो वहाँ तो रात को लिया तो समझ में नहीं आया, और घर आके देखा तो बहुत वाइट था। उसके बाद मैंने इसे जो आई शेडो लगाया था उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है, जो कि आप देख ही रहे हो। मैंने इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है, वो भी ब्रश की हेल्प से किया है ब्लेंड। देखिए हो चुका है अच्छी तरीके से। उसके बाद ये पिंक कलर लेके इसी में से जो आई शेडो के किट है उसी में से पिंक कलर लेके ब्लश की तरह लगाया है। और हम मैंने छोटे ब्रश का यूज़ किया है क्योंकि ज़्यादा लग जाता है तो ठीक नहीं होता। उसके बाद बड़ा ब्रश लेके उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है। जो कि आप देख रहे हो, देखो ठीक लग रहा है। उसके बाद इसी किट से थोड़ा मैंने ब्लैक कलर लेके, सॉरी रेड कलर लिया है, और आंखों के नीचे अच्छी तरीके से लगाया है, क्योंकि मेरी आँखें मुझे छोटी छोटी दिख रही थी इसलिए मैंने रेड कलर लेके थोड़ा सा मैंने बड़ा करने की कोशिश की है, बड़ा दिखे सॉरी होंगी तो नहीं। उसके बाद ये रेडी कलर है और दोनों आँखों को बराबर लगाया है। उसके बाद मैंने ब्लैक कलर लिया था आई शेडो का, और उसे अच्छी तरीके से लगाया है आँखों के नीचे, जो कि आप देख ही रहे हो, और दोनों आँखों में बराबर लगाया था और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया। काजल का यूज नहीं किया है, और जो भी जब भी नीचे आई शेडो लगाओ थोड़ा छोटा ब्रश से लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए काजल नहीं लगाया है पर लुक अच्छा है, काजल जैसा दिख रहा है। उसके बाद ही मैंने मस्करा लिया है जो कि ब्लू हेवन का है, उसे अच्छी तरीके से अपने पलकों पे लगाया है। इससे आपकी लेसेज थोड़ी हैवी दिखती हैं, तो कम से कम 2-3 कोट लगाया है। पहले एक कोट लगाने के बाद थोड़ा रुकें सूख जाने के बाद, फिर दोबारा लगाएं तो आपकी पलके कुछ ज़्यादा हैवी दिखेंगी। और मैं नकली पलके इसलिए यूज नहीं करती, मेरी आँखों में खुजली होने लग जाती है तो वो मैं यूज नहीं करती। अभी डॉक्टर ने मेरे से मना किया है, जब थोड़ा ठीक हो जाएगा जब मैं नकली पलके भी लगा के दिखाऊंगी आपको। अब मेरा आँखों का मेकअप पूरा है। अब ये मैंने लिपस्टिक ली है, एकदम नेचुरल कलर है, वही लिपस्टिक का यूज किया है, नेचुरल कलर लिपस्टिक है, जो कि आप देख ही सकते हो। उसे मैंने एक कोट लगा के थोड़ा सा अच्छी तरीके से अपने होठों को फैला लिया है, और फिर ये हाइलाइटर, सॉरी मुझे पहले लगाना था पर मैं भूल गई थी इसलिए बाद में लगाया हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैंने छोटा ब्रश लिया है, और अभी रुक नीचे अपनी नोज पर, और इधर जहाँ हमारे चेहरे का उभार होता है हड्डियों का, वहाँ अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है, जो कि आप देख ही रहे हो। उसके बाद ये मैंने सेटिंग स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रे कर लिया है, और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दें, और ये मेरा फाइनल लुक। प्लीज़ बताएं कैसा लगा। और हाँ फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में आके बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें इतना, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो अनलाइक भी कर सकते हो, पर प्लीज़ बताएं कि क्या क्या चीज़ इसमें गलत लगी तो जिसे मैं सुधार सकूं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।